के जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये इंशाल्लाह। आमीन। क्या कहने इमरान भाई, बाबा 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 बाबा, अल्लाह आपके जुमलों को सच कर दे लफ्जों को। बिहार दिल्ली, चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि जुल्म के कद तलक आ पहुंची है, जुल्म के कद तलक आ पहुंची है, जुल्म के कद तलक आ पहुंची है, आखिरी हद तलक आ पहुंची है, वो जो नफरत थी गली कूचों में, वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलक पहुंची है, क्या कहने मोहतर बाबा, संसद तलक पहुंची, जिंदाबाद है, जुल्म के कद तलक पहुंची है, आखिरी हद तलक पहुंची है। मैं बिहार में खड़ा हूं, मेरा ईमान, मेरा यकीन और इन दिनों के जो हालात हैं उसे मैं देख रहा हूं, तो मेरा दिल कर रहा है मैं आप सबके नाम चार मिसरे पढ़ दूं, फिर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं। मैं चार मिसरे बड़े यकीन के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ ये पढ़ रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। आहा इंशाल्लाह, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। बैठे बैठे मेरे जहन में चार मिसरे आए तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ दूं। आता हो, आता हो। कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार इंशाल्लाह। अब पीछे तक एक हाथ उठे आपका अगले मिसरे पे, के जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये इंशाल्लाह। आमीन। क्या कहने इमरान भाई, बाबा 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 बाबा, अल्लाह आपके जुमलों को सच कर दे लफ्जों को। बिहार दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। मैंने कोशिश किया कि थोड़ा आप बेदार हो जाए ताकि आपको थोड़ी संजीदा शायरी सुनाई जा सके। सामने जो अगली सफों में बैठे हुए लोग हैं बहुत खामोश होकर के मैं शुरू से देख रहा हूं कि बैठे हुए हैं, थोड़ा उनकी भी शिरकत हो। ये बिहार है साहब, बड़ा समझदार है ये बिहार। अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट पर, उतरा तो थोड़ी दूर पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक बिहार के आदमी के पीछे पड़ के जैसे जबरन भीख मांगते ना, जबरदस्ती वसूल लेना, साफ दे दो कुछ, दो दिन से खाना नहीं खाया, दे दो कुछ, दो दिन से खाना नहीं खाया। वो आदमी बिहार का था साहब, उसने 500 की नोट निकाली, नोट निकाल के उससे कहा कि 400 रुपए चेंज है। तो भिखारी ने जेब में हाथ डाला, बोला हाँ साहब चेंज है। तो उसने पलट के 500 अपनी जेब में रखा, बोला जाओ इसी से कुछ खा लेना जो तुम्हारे पास रखा। ये बिहार है, ये बिहार है, इस बिहार को सलाम करता हूँ। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ, मैं गजलें नहीं पढ़ता हूँ, मैं नज्मों का शायर हूँ, लेकिन आज यहाँ पे अशफाक साहब, अशरफ साहब, बाकी सारे जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं मुशायरे को, तो मैं चाह रहा हूं कि एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाऊं, शायर दोस्तों की भी दुआएं मिले। कौन मुझको पुकार जाता है,
कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं चुप रहूं तो वकार जाता है, भाई क्या कहने हैं, भाई तो बहुत अच्छा है, वकार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं चुप रहूं तो वकार जाता है और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद। इन दिनों पिछले एक आध महीने में आपने न जाने कितनी बार ये दुआएं की होंगी, मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हूं, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है, और धूल उड़ती है आसमानों में, क्या मिश्रा है, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है फिर कोई शह सवार जाए, हाय 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 हाय, क्या अच्छा है, किस रुख से मिश्रा लगा दिया बाबा, शह सवार जाए, फिर कोई शह सवार जाता है, और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, दुआएं चाहता हूं, फिरौनियत कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, भाई क्या गजल हो रही है, दरिया के पार जाता है, कौन मुझको क्या गजल हो रही है भाई, पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं थोड़ी देर के लिए आपको संजीदा करना चाहता हूं, बहुत हंगामे में एक शेर के लिए मेरे दोस्त दीपक रूहानी साहब ने मुझे इस गजल का एक शेर याद दिलाया कि वो शेर भी पढ़िए, मैं वो शेर भी हाजिर कर देता हूं कि कौन दरिया के पार जाता है, और एक पूरा मुल्क उस पे बरसते हुए बम, लेकिन उनका हौसला और उनका जज्बा, मेरा एक शेर कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं, रायगा मेरा खून नहीं जाता, ऐसा लगता है जैसे वहां बच्चा बच्चा ये कह रहा हो कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता, क्या कहने, क्या कहने, रायगा तेरा वार जाता है, और जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली लेकिन जंग तो
तूने जीत ली लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जो आपने दुआएं दी।